वेलकम फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में देखिए i5 का ट्वेल्थ जनरेशन का मॉडल नंबर है वन टू फोर डबल जीरो एफ इस प्रोसेसर के साथ में आज का पीसी असेंबल करेंगे ये ग्राफिक कार्ड भी लगाएंगे और अच्छे पार्ट्स का इस्तेमाल करके एक अच्छा सीपी बनाने का प्रयास करेंगे एफ सीरीज का प्रोसेसर है तो इसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड लगाना कंपलसरी है इस प्रोसेसर के कुछ स्पेसिफिकेशन को चेक कर लेते हैं तो देखिए आपको इसमें चार कोर देखने को मिलते हैं बारह थ्रेड्स देखने को मिलते हैं मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी 4.40 पॉइंट तक की है बेस फ्रीक्वेंसी इसकी 2.50 पॉइंट तक की है अठारह एम का इंटेल स्मार्ट कैश मेमोरी आपको देखने को मिल जाती है प्रोसेसर की बेस पावर आपको 65 फाइव वाट का देखने को मिलता है मैक्सिमम टर्बो पावर इसकी एक वाट की है एक जीबी तक रैम सपोर्ट करता है जो आप डी डी आर तक की और डीडीआर फोर बत्तीस सौ तक की आप रैम लगा सकते हो इसी जनरेशन फोर और फाइव तक ग्राफिक कार्ड आप सपोर्ट करा सकते हो इसके साथ एल जी सॉकेट पर चलने वाला ये प्रोसेसर है ऑफिशियल प्राइजिंग इसकी एक डॉलर से एक डॉलर है इसकी मैक्सिमम प्राइस एक डॉलर को पिछहत्तर रुपये का एक डॉलर मान के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तेरह हज़ार पचास रुपये के आसपास इसकी ऑफिशियल प्राइजिंग आ रही है निकल के अभी कितने में सेल हो रहा है तो अभी आप देख सकते हैं वेदांत कंप्यूटर पर पंद्रह हज़ार का देखने को मिल रहा है वहीं आपको एम कंप्यूटर्स पर पंद्रह हजार के आसपास देखने को मिल रहा है अमेज़ॉन पे तकरीबन 16000 के आसपास रेट आपको देखने को मिलेगा तो फ्रेंड इसके साथ एक पंखा आपको देखने को मिलता है जो ठीक ठाक क्वालिटी का आपको देखने को मिलता है सिस्टम आज बिल्ड कर रहे हैं इस तरह का अगर आपका कोई भी और कोई भी सिस्टम है और आपका ऐसा रूम है जिसमें आपका एयर कंडीशन पहले से लगी हुई है यानी कि ए की, की व्यवस्था है और एक अच्छा टेम्परेचर आपका मेनटेन रहता है उसमें तब आपका ए वाला ही फैन आपका काम कर जाएगा और अगर आपके रूम में ए नहीं है और एक टेम्परेचर गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाता है तब थोड़ी हैंगिंग की समस्या आती है तो उस कंडीशन में आपको लिक्विड कूलर की आवश्यकता पड़ती है लिक्विड कूलर जब भी लें तो एक बार जो है जरूर देखें मार्केट में और जो आपके सॉकेट में फिट बैठे उसी को ही आप इस्तेमाल करें तो लिक्विड कूलर तमाम तरह के अलग अलग, अलग ब्रांड्स में आपको सेल होते हुए मिल जाते हैं बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ तो देखिए सबसे बेसिक से आने वाला मदरबोर्ड एल जी सत्रह सॉकेट पर लगाने वाला आज के बिल्ड में लगाने जा रहे हैं जो आसूस ब्रांड की तरफ से आता है प्राइम एच छो दस एम ही कुछ मेन मेन फीचर्स हैं एल जी सत्रह सौ सॉकेट को सपोर्ट करता है इसी जनरेशन फोर तक के ग्राफिक कार्ड सपोर्ट कर जाएगा डुबल एम डॉट टू स्लॉट्स हैं इसमें और यू वाले आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं एच डी एम डी पी और डी सब वाले आपको ये पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इसको अगर डिटेल से अगर आप देखोगे तो पुराने तरह के पी एस टू पोर्ट्स मिलते थे आपके कीबोर्ड माउस के वो भी देखने को मिल रहे हैं एच डी एम आई का पोर्ट है डी सब वाला पोर्ट है डिस्प्ले का पोर्ट है तो आपको जनरेशन थ्री पॉइंट टू के यू एस पी पोर्ट मिल रहे हैं एक जी बी वाली आपको लैन का पोर्ट मिल रहा है दो तो आपको यू एस पी जनरेशन टू पॉइंट जीरो के पोर्ट आपको देखने को मिल रहे हैं तीन ऑडियो वाले पोर्ट्स हैं ग्राफिक कार्ड फोर पॉइंट जीरो और थ्री पॉइंट जीरो तक के आपके लग जाएंगे दोनों के स्लॉट यहाँ पे दिए गए हैं दो आप बत्तीस सौ मेगा हट्स चैनल की, की रैम यहाँ पे लगा सकते हो 1700 सॉकेट का प्रोसेसर आपका यहाँ पे सपोर्ट कर जाएगा एम डॉट टू के दो स्लॉट आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें आप जनरेशन थर्ड की पी सी आई थ्री पॉइंट जीरो की आप लगा सकते हो दो एम डॉट टू एन वी एम ई तो प्राइम ए जी बी पे आपको सात हज़ार दो सौ रुपये में ये देखने को मिल जा रहा है तो आप चाहो तो परचेस कर सकते हो और भी अलग अलग एल जी सॉकेट को सपोर्ट करने वाली डी डी आर फोर टेक्नोलॉजी परदरबोर्ोड आपके हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार लगा सकते हो ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं जी फोर्स की ओर से आने वाला जी टी एक्स सोलह पचास ओ सी फोर जी गीगा वाइट आसूस और एम एस आई के अधिकतर जो है थोड़े कॉस्टली रहते हैं तो ये जो है मॉडल है सोलह पचास ये हम आज के बिल्ड में लगा रहे हैं तो देखिए इसके कुछ अगर फीचर्स को अगर हम देखें कोर जो क्लॉक है उसकी 1710 मेगाहर्ट्ज तक की आपको फ्रीक्वेंसी निकाल के दे रहा है सी यू डी ए वाले कोर्स होते हैं आठ सौ छियानवे मिल रहे हैं मेमोरी क्लॉक आठ हज़ार मेगा हट्स की इसमें फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल रही है मेमोरी साइज चार जी बी का है जी डी डी आर फाइव मेमोरी टाइप इसमें यूज हुआ है और एक सौ अट्ठाईस बिट मेमोरी बस है और मेमोरी बैंडविथ की बात करें एक सौ अट्ठाईस जी बी पर सेकेंड इसका मेमोरी बैंडविद है पी सी आई ई थ्री पॉइंट जीरो पर चलने वाला ये ग्राफिक कार्ड है मैक्सिमम रिजोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि 60 हर्ट को सपोर्ट करता है तीन डिस्प्ले तक आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो जो आपका डीपी पोर्ट के थ्रू एक कनेक्ट हो जाएगा एच के थ्रू दो इसमें कनेक्ट हो जाएंगे यानी कि तीन डिस्प्ले आप कनेक्ट कर सकते हो लेंथ इसकी यहाँ पर शो कराई गई है या डायरेक्ट एक्स बारह को सपोर्ट करने वाला ये ग्राफिक कार्ड है तो इसमें इन्होंने एक फ़ीचर बता रखा है कि फैन एक इधर को चलेगा और एक इधर को चलेगा तो ये अल्टरनेट स्पिन होगी फ़ैन की और अधिकतर ग्राफिक कार्ड में एक ही साइड में दोनों फ़ैन चलते हैं इसलिए उसकी हवा जो है यहाँ टकराती है कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है अगर प्राइजिंग की तो गीगा का आपको वेदांत कंप्यूटर पर बीस हज़ार का देखने को मिल जा रहा है जी टी वहीं आपको कलरफुल एक ब्रांड है अमेजोन पे बाईस हज़ार नौ सौ रुपये में देखने को मिल रहा है जबकि ये सस्ता मिलना चाहिए था गीगाबाइट से कुछ बजट अगर आपके पास और है और कुछ बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं तो मदरबोर्ड थोड़ा बेहतर लगाने के बाद अगर आप आर टी लगा लेते हैं तो भाई क्या कहने हैं बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा देखिए रैम लगा रहे हैं बत्तीस सौ मेगा की आठ आठ जी की दो स्टिक सोलह जी और अगर चाहें तो बत्तीस जी भी कर सकते हैं सोलह सोलह जी की दो स्टिक अगर बजट का इशू नहीं है तो तो देखिए बत्तीस सौ मेगा की फ्रिक्वेंसी की आठ जी की अगर रैम का बात करें तो अमेजॉन पर दो अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग प्राइजिंग पर देखने को मिल जा रही है फिलहाल ये वाली रैम आज के बिल्ड में लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर दो, दो से रेट क्योंकि आठ आठ जी की दो स्टिक हम लगाएंगे एक एन लगाएंगे पाँच सौ की जनरेशन थर्ड की ही लगाएंगे अगर मदरबोर्ड ज़्यादा अपग्रेड वाला हो तो 4.0 का भी पर प्रयोग कर सकते हो फिलहाल इसकी भी स्पीड अच्छी खासी है पैंतीस सौ पर सेकेंड रीड स्पीड है इसकी चार हज़ार नौ सौ बयासी रुपया इसका एम पी दिया गया है पाँच साल वारंटी आपको देखने को मिल जाती है पाँच सौ जी की यह एन है अगला पार्ट रहेगा हमारा पावर सप्लाई 600 सौ वाट की पावर सप्लाई लगाएंगे दो अलग अलग ब्रांड हैं यहाँ पे देख सकते हो अमेज़न पे सिल्वर स्टोन सत्ताईस सौ उनचास रुपये में है कोर्सियर 600 सौ वाट पैंतीस सौ पिचासी रुपये में है कुछ कूपन भी दिए गए हैं जिनका प्रयोग करने से ये प्राइज और घट जाएगा आज के वीडियो में सत्ताईस सौ उनचास वाला छः सौ वाट का एट्टी प्लस सर्टिफिकेट के साथ सिल्वर स्टोन इस्तेमाल कर रहे हैं बात करें अगले पार्ट की तो आर जी बी कैबिनेट का इस्तेमाल करेंगे आप चार हज़ार रुपये तक की एक कैबिनेट परचेस कर सकते हो फिलहाल एक अच्छा ब्रांड है चिप्ट्रॉनिक्स और उनतीस सौ उनचास एक इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इस वाले बिल्ड में तो इन सभी पार्ट्स की अगर कॉस्टिंग देखें पूरा डी डी आर फोर सेटअप हमारा आई फाइव ट्वेल्व जनरेशन के एफ सीरीज के प्रोसेसर के साथ कितने का बन रहा है तो यहाँ पर आप, आप देख सकते हो हमारा इंटेल कोर आई फाइव बारह चार सौ एफ प्रोसेसर देखने को मिल रहा है पंद्रह हज़ार चार सौ उनतीस रुपये का आसूस प्राइम एच छः सौ दस एम ई डी फोर मदरबोर्ड आपको सात हज़ार दो सौ रुपये में देखने को मिल रहा है गीगावाइट की तरफ से आने वाला जी फोर जी टी एक्स सोलह पचास ओ सी फोर जी बीस हज़ार चार सौ रुपये का देखने को मिल रहा है जी स्किल डी डी आर फोर बत्तीस सौ मेगा हट आठ जी बी की दो स्टिक लगा रहे हैं सत्ताईस सौ नब्बे रुपये रेट है तो पचपन सौ अस्सी रुपये सोलह जी बी का प्राइजिंग हुआ एन वी एम ई जनरेशन थर्ड की पाँच सौ जी बी की चार हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपये पावर सप्लाई छः सौ वाट की सत्ताईस सौ उनचास रुपये आर जी बी कैबिनेट आपको उनतीस सौ उनचास रुपये रेट लगाया गया है टोटल आपको उनसठ हज़ार तीन सौ छः रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और एक काफ़ी अच्छा जो है आपका सिस्टम बिल्ड हो रहा है तो ऑफ़लाइन ऑनलाइन दोनों तरह से जो है अगर आप अपना पेयर बना लेते हैं तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे तो फ्रेंड्स अपना सपोर्ट बनाए रखें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका